लाप का ही रास्ता है। यहाँ पर फिर से ट्रैफिक लग गया है, ले ले और लेफ्ट में ले ले। और कंपनी के अंदर जाने के पहले इसे सेफ्टी गियर पहननी पड़ती है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज मैं बाहर जा रहा था कुछ काम की वजह से, वैसे राइड भी होने वाली है तो सोचा कि वीडियो बनाते हैं। तो चलो फिर अब चलते हैं। तो कोई राइडर तो साथ में आ रहा है, राकेश भाई आ रहे हैं साथ में, वो पिलियन बन के आ रहे हैं। तो चलो अभी निकलते हैं, नीचे जाते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और अपने राइड को स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं। तो चलो बाइक स्टार्ट कर दिए, फ्यूल लो दिखा रहा है तो पहले फ्यूल भरते फिर निकलते। पेट्रोल वाले भी सुबह सुबह कौन से नशे में होते हैं क्या मालूम। 700 रुपए का पेट्रोल डाल बोला तो उसने 500 रुपए का डाला, जान दो 200 का बाद में आगे कहीं भरवा लेते आते वक्त, क्योंकि पता नहीं उसने अगर काटा वगैरह कुछ लगा के रखा रहेगा फिर वापस में उसे 200 का और डाल बोलता तो वो वहीं से कंटिन्यू करता। मैं भी जल्दी में था तो इससे अच्छा है कि बाद में ही आते वक्त ही भरवा लेता हूँ। ये बात आप भी ध्यान में रखना, क्योंकि आप कभी कहते हो कि एक बात कहते हो और वो एक बात सुन लेते हैं या जानबूझ के करते हैं। कभी कभी गलती से भी हो सकता है लेकिन अभी पता नहीं मेरे केस में क्या था, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अलर्ट होके मैंने सोचा जान दो। चलो चलो अभी चलते हैं जल्दी से राकेश भाई को पिकअप करते हैं और निकलते हैं। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, राकेश भाई को भी मैंने ले लिया, देर हो रही इसलिए डायरेक्ट उनको बोला चलो बैठो निकलते हैं। कभी भी जाना होता है तो हम थोड़ा जल्दी ही जाते, लेकिन आज देर हो गई बहुत, मतलब बहुत आज तो बहुत ही देर हो गई। 6 बजे के आसपास तो निकल जाते हैं वैसे तो, 6:30-5 बजे, लेकिन आज 7:30 बज गए निकलने को। चलो चलते हैं, कोई बात नहीं पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद हमें मिलने वाला तगड़े वाला ट्रैफिक, क्योंकि अभी पुणे का पूरा सिस्टम बिगड़ गया है ट्रैफिक के मामले में। इसलिए अगर आपको कहीं जाना हो तो अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए। हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट, बाप का ही रास्ता है। आओ रास्ते में आओ, गाड़ी आ रही है कुछ देखो मत, हाथ करो सामने से स्पीड में आ रहा है, स्लो से आ रहा है कुछ देखो भी को मत, हाथ करो सिर्फ बीच में रास्ते में आके वो भी। मौसम देखो पूरा बारिश का मौसम हो गया है, क्या चल रहा है क्या मालूम। गर्मी में बारिश, बारिश में गर्मी, और क्या अपने ठंडी में मिक्स हो जाएगा दोनों भी। हाँ ठंडी में मिक्स ही होता है, दिन भर गर्म होता है रात को ठंडी लगती है। वैसे न्यूज़ में आया था कि पुणे में 5-6 दिन मौसम खराब होने रहने वाला है। अभी वो 5-6 दिन आज से चालू है क्या कल से चालू है वो नहीं पता, क्योंकि कल तो मौसम ठीक था, मतलब बारिश बारिश नहीं गिरी। आज पता चलेगा, आज मुझे इससे लग रहा है गिरेगी बारिश, लेकिन चलो अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। अरे वाह, इस जगह पे बहुत ट्रैफिक होता है रोज। हाँ है ना ट्रैफिक, मैं वही सोच रहा हूँ ट्रैफिक कैसे गया ना। ये देखो ट्रैफिक में फंस गया अभी हम, रुको अभी अभी यहाँ से मुझे लगता है अपने 20 मिनट ऐसे जाने वाले। चलो सिग्नल छूट गया, जल्दी निकलते चलो। ये देखो सूरज भगवान एकदम शान से बाहर आते हुए।
अभी खराड़ी में पहुंच चुके हैं हम। आज का मौसम देखो, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है, लेकिन बारिश आ गई ना हमारा टाइम खराब होने वाला है, क्योंकि जब तक बारिश रुकती नहीं, क्योंकि रेन कवर तो कुछ लाए नहीं हमने। और आपको एक बात बताना भूल गए, ये जैकेट देख रहे हो अपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा, तो हमने दो जैकेट ले लिए है राइडिंग के फाइनली भी, मतलब अपना राइडिंग का जो भी गेयर है वो लेने की प्रोसेस चालू हो गई है, तो उन पे के वीडियो जल्दी आएंगे। मतलब ये परचेसिंग का वीडियो हमने बनाया है, लेकिन उसे अपलोड करने में थोड़ा टाइम है, जैसे उस पे का काम ख़त्म हो जाएगा वो वीडियो लाइव हो जाएगा। फाइनली खुला रास्ता मिल गया तो अभी भागा सकते हैं हम, मतलब 80 से तो भागा सकते हैं अभी, इतना ओपन तो है अभी फिलहाल रोड। अरे ये पुणे का भी अब आजकल डाउट आ रहा है दिल्ली की तरह कि पोल्यूशन है या फॉग है। सामने मुझे दिख रहा है, कैमरा में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ठंड तो नहीं है, और वो वाला फॉग मतलब पहचान में आ जाता है। वैसे ये कैसे ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके देखकर मतलब ऐसे पोल्यूशन वाली फीलिंग आ रही है। ये है पुणे नगर का हाईवे, यहाँ पर फिर से ट्रैफिक लग गया यार हाईवे पे, अभी ऑफ रोडिंग करने पड़ रहे साइड साइड से। ये देखो ये कार वाले ने देखो गाड़ी देखो कहाँ पे डाली, देखो 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 देखो, ले ले और लेफ्ट में ले ले और चलो अभी नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। और यहाँ पे हमारे पोहे आ चुके हैं और उसके साथ उसका सांभर। राकेश भाई मोबाइल में फोटो खींचते हुए, तो चलो खा लेते हैं और ऑफिस से निकलते आगे। नाश्ता करके तो हो गया और मैंने ग्लोव्स भी चेंज कर दिए क्योंकि उसमें बहुत इरिटेट हो रहा था, आगे वाला ब्रेक दबाने में प्रॉब्लम हो रहा था उससे। एक्चुअली वो ओल्ड हो चुका है जिसके लिए ऐसे मुझे लगता है कि अभी प्रॉब्लम दे रहा होगा, लेकिन इसके चक्कर में अभी खर्चा बढ़ेगा दूसरे ग्लोव्स का। अभी इंटरकॉम भी लेना है और ग्लोव्स भी, तो देखते हैं लेते। और 360 मैंने अभी यहाँ पे प्लेस कर दिया है, जो कोई इसमें रेस करने में भी कुछ इस ग्लोव्स में कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा दूसरे ग्लोव्स लेने पड़ेंगे, ये तो विंटर के है।
ऐसा लग रहा है कि संडे के दिन राइड पे निकल गया हो कहीं तो। अगर दोस्तों आपको इसे वीडियो अगर अच्छे लगते हो गए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे ऐड कर लो, यहाँ पे नाम आ रहा होगा OSM विजय, बायो में भी लिंक दे दूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दो। सेवेंटी सेवन किलोमीटर हो गया अभी तक हमारे, 100 किलोमीटर करना है राउंड फिगर, फिर पहुंच जाएंगे हम हमारे डेस्टिनी पे। अगर आप अकेले भी ट्रैवल कर रहे हो या नए हो गए राइड में तो क्या करते जाओ कि एक साथ पूरे 100 किलोमीटर कंप्लीट करने का मत देखते जाओ, एक 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर अपनी अपनी कैपेसिटी होती है उसके, इसमें एक ब्रेक लेते जाओ छोटा सा, चाय पीने के लिए हो गया, नाश्ता करने के लिए हो गया, तो उसमें आपको रिफ्रेशमेंट का टाइम मिल जाता है, फिर उससे आप बाद में फिर से एनर्जेटिक के लिए ड्राइव कर पाते हो। ये रास्ता देखो कितना अच्छा लग रहा है, सामने देखो ये ऐसा सीन दिखता है तो वो मुझे बहुत पसंद आता है। रोड्स, अभी हम सोच रहे हैं कि इस साल कोई बड़ी राइड प्लान करें, उसी की भी प्रिपरेशन आप बोल सकते हो कि अभी हमने अभी राइडिंग जैकेट ले लिया है, मतलब लगभग अभी एक दो महीने के अंदर अंदर सब गियर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि गियर लेने के लिए पैसे भी आने चाहिए ना, पैसे ही नहीं आएंगे तो गियर कहाँ से लोगे। हाईवे अच्छा है लेकिन रास्ते में किधर किधर तो पैचेस है, और वो भी मतलब नॉर्मल नहीं है, ज़रा खतरनाक है पैचेस है। अगर ग्राउंड सरफेस कम रहा तो फोर व्हीलर को प्रॉब्लम है और टू व्हीलर को तो प्रॉब्लम है। बहुत से लोग GoPro और 360 में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा कैमरा ले, तो और मेरा तो कंटेंट मोटो व्लॉगिंग और ट्रैवलिंग के रिलेटेड है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना लूँ जिसमें GoPro और 360 इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पे सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, अभी ये वाली कौन सी है अभी नाम तो चला गया, यार ये जो इसी मिट्टी होती है ना इस पे से सच में टर्न लेते समय ना फट जाती यार पूरी, क्योंकि ऐसी जगह पे ही गाड़ी स्लिप होती है। देखो ये MI मोबाइल की नहीं, कोई अलग ही कंपनी लग रही है, इससे बहुत से कंपनी है यहाँ पे, MIDC एरिया है ये देख सकते हो आप। तो चलो अभी अपनी गाड़ी पार्क करते, सामने पार्किंग दिख रही है, अपना जो काम है वो काम फटक से कंप्लीट कर लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी इस कंपनी के अंदर जाना है ना,
कंपनी के अंदर जाने के पहले इसे सेफ्टी गियर पहननी पड़ती है इनके भी, हेलमेट वगैरह के अंदर काम चालू है, जो कि यहाँ पे राकेश भाई ने भी भेज कहीं। चलो अभी हमारा शूट का काम है, शूट कर लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। वन आवर लेटर हमारा यहाँ का काम तो हो गया, चलो अभी चलते आगे। GoPro का एंगल लीनियर पे आ गया है, वाइड करता हूँ, वेट हो गया वाइड, अभी चलते हैं रिटर्न। अभी हमने यहाँ पे ड्रोन शूट किया थोड़ा सा रोड का, रोड अच्छा लग रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे एक रील शूट की थी पिछली बार जब आए थे तब, तो इंस्टाग्राम पे हमने हमारे पेज पे डाली थी, तो ये रोड की वीडियो बहुत मतलब वायरल हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि अभी यहाँ पे ड्रोन उड़ा के देखते। अभी हम दूसरी साइड पर भी पहुँच चुके हैं शूट के लिए, यहाँ पर गाड़ी बाहर पार्क करनी पड़ेगी। चलो शूट कंप्लीट करके मिलता हूँ आपको। तो अभी यहाँ का काम तो हो गया, अभी निकलते हैं पार्किंग की ओर, गाड़ी लेते हैं और निकलते हैं। राकेश भाई को पूछते हैं गर्मी से हाल कैसे हो गया, तो फिर गर्मी से हाल कैसे हो गया, जैकेट में कैसे हो गया, हालत खराब हो गया, जैकेट पहन के वांदे हो गए, अगर रुकते ना किधर हवा नहीं चल रही होगी ना, पसीना हो जाता, पसीने से तुम पूरे भीग जाओगे। जल्दी बाइक पर बैठते हैं, बाइक स्टार्ट करते फिर ठंडे हो जाएंगे। चलो तो चलो अभी निकल तो गए कंपनी से, अभी देखते हैं कोई होटल और रुकते हैं और खाते। भूख बहुत लगी है और गर्म भी बहुत हो रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, हवा जा रही है अंदर। तो चलो अब हमारा होटल आ गया है अभी प्रथमेश, यहाँ पे लगाते बाइक और खाते खाना। चलते घर पर खाना खा के तो हो गया, अभी गाड़ी निकलते क्योंकि अभी जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि वापस से ट्रैफिक मिल जाएगा नहीं तो हमें, तो यहाँ से निकलते तो आपको अभी घर जाके मिलते। चलो साइड स्टैंड, सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को करो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ और एक नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।